दोस्तों, मेरे प्यारे ऑडियंस, मेरे सुनने वालों और मेरी किताब के पढ़ने वालों, आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मैं एक खुशखबरी के साथ आपके सामने मौजूद हूं कि ये किताब द RAW हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा, ये आपके सामने आ रही है बहुत जल्द। और ये इसका कवर है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये किताब एक नॉन फिक्शन बुक है जिसको साइमन और शस्टर, जो वर्ल्ड के बहुत टॉप पब्लिशर्स में से एक हैं, वो पब्लिश कर रहे हैं। जुलाई में ये किताब आपको बुक स्टोर्स और ऑनलाइन में अवेलेबल हो जाएगी और हम जुलाई में इस किताब का एक रिलीज फंक्शन भी करने वाले हैं। ये किताब आपको पता है लक्ष्मण सिंह बिश्त नाम के एक कमांडो पर लिखी गई है, जिनको हम सब लोग बहुत प्यार से लकी बिश्त कहते हैं या लकी कमांडो भी कहते हैं। इस कहानी को आप लोग जानते हैं कि मेरी जब लकी से मुलाकात हुई थी तब मैं उसको जानता नहीं था कि लकी की ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन, गहरी और एक इतनी दिलचस्प कहानी है जो हम सब लोगों को जगाए रखेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ते मेरी से उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हम लोग की दोस्ती बढ़ी। तब मैंने लकी का इंटरव्यू किया था इसी चैनल पे आप लोगों के सामने और आप लोगों ने उस इंटरव्यू को बहुत सराहा था और आप लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा था। आज फिर से हम लकी के साथ यहाँ मौजूद हैं। इस बार थोड़ा सा रोल रिवर्सल होने वाला है, यानी कि RAW हिटमैन मैंने लिखी थी, अगली किताब जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि लकी लिखें। मैं लकी को गाइड करूँगा, नेविगेट करूँगा, उनको मेंटोर करूँगा और ये किताब लकी अपने किसी और को ऑथर के साथ में, जो अभी तक तय नहीं है, बट एक को ऑथर के साथ लकी जो है वो लिखेंगे और ये किताब भी बहुत जल्द प्रकाशित होगी। आपको पता है किताबें एक स्लो प्रोसेस होती हैं, इनको लिखने में, डेवलप करने में, या जैसे कि वो अपने एक टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम फॉर द स्टोरी टू गेट कुक्ड एंड गेट रेडी। सो ये किताब डेवलप हो रही है, लेकिन हमारा पहला कदम इसकी तरफ ये है कि हम आज उन कहानियों को लकी से सुने और आज हम जैसे लकी ने आज तक जो कहानी आप लोग सुनाई है और आपने देखा, बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कमांडो जो जिसने देश की सेवा की है, बड़े बड़े उसने पॉलिटिशियंस की और बहुत से लोगों की उसने रक्षा की है, आज ये खुद एक कहानीकार बनने वाले हैं और आपको कहानी सुनाने वाले हैं। सो नाउ ओवर टू लकी फॉर यू गाइज। लकी, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम फॉर कमिंग टू द चैनल अगेन। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ कि आपने उस किताब में हमारा बहुत सहयोग दिया और हमने वो किताब आपके बहुत मदद से लिख पाए। वो किताब आ जाएगी और बहुत जल्द आपको इस देश में लोग जान जाएंगे जो सनसनीखेज कहानी उसके अंदर जो है। तो मैं चाह रहा था कि आज वो ऑपरेशंस जो इस किताब में नहीं लिखे हैं, जिनका जिक्र हमने इस किताब में नहीं किया, आप कुछ दो चार बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाते ताकि हमारे जानने वाले, सुनने वाले जो हैं वो एज ए बोनस इनको सुन सकें और फिर जब आप किताब लिखेंगे तो बिल्कुल हम उसको डिटेल में पढ़ ही लेंगे आपसे, बताइए। ठीक है, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सर, दोबारा आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया आपके चैनल पर। थैंक यू। और लोगों ने, मतलब जो भी पिछली वीडियो देखी उसमें बहुत प्यार दिया लोगों ने। जी ठीक है। तो मतलब बहुत सारी हैं ऑपरेशंस, बहुत सारे हैं सर, दुनिया के अंदर बहुत सारे काम हैं, कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा, तो हम स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हम पहले बात करते हैं, जब 2014 में हमारी एक नई गवर्नमेंट आती है, NDA सरकार आती है, शायद 1984 के बाद यह पहला अवसर है कि इस देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी में हासिल हुई है। अच्छे दिन। तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले क्या करते हैं सर, उन्होंने जब सबसे पहले देखा कि मतलब हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब हमारे एक जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो एनिमी हैं, वो कौन कौन है। चलो पाकिस्तान तो सभी देख रहे थे सर, मतलब 1947 से सब पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट देखते हैं कि पाकिस्तान से भी हमारा मतलब एक बड़ा एनिमी चाइना, ठीक है। तो क्या कहते हैं अपने जो PM साहब है, सबसे पहले वो ध्यान देते हैं कि अपने JNK में जो भी लद्दाख सेक्टर्स है, लद्दाख के जो बॉर्डर्स हैं, या उत्तराखंड में जो चाइना बॉर्डर जुड़ रहा है, या अरुणाचल में जो जुड़ रहा है, इनको देखते हुए तो सबसे पहले उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ से जो भी इन्फिल्ट्रेशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब क्यों नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन वहाँ के एनिमी या वहाँ के टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया सर, अपने जो पिछले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू करी थी, उन्होंने लुक एक्ट पॉलिसी को सबसे पहले चेंज किया, बोला अब देखने से काम नहीं चलेगा भाई, अब इस पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। अब जब इस गवर्नमेंट ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू किया, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में चेंज कर दिया इस गवर्नमेंट ने कि नहीं होगा अब देखने से काम भाई, हमारे को एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सालों से देख रहे हैं, 70 सालों से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसी ये पॉलिसी लागू होती है
तो इससे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है चाइना के ऊपर जी, क्योंकि चाइना का चाहे बिजनेस लो कोई भी चीज लो, हम साउथ ईस्ट एशिया मिडिल्स देशों के साथ हम कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। अब यहाँ पर चाइना डायरेक्ट हमारे ऊपर, मतलब ऐसा हम गलत नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हम अपने जितने भी LOC है उनको कवर कर रहे हैं, तो लेकिन चाइना ने चीजें देखा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि इस पॉलिसी को रोका जाए, क्या करा जाए। तो उसने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी अभी जो भी इंसर्जेंट जो भी ग्रुप्स हैं, इसमें से बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ पिछली गवर्नमेंट भी और ये गवर्नमेंट भी सीज फायर के साथ चल रही थी चीजें, लेकिन कुछ ग्रुप मतलब बहुत कमजोर हो गए थे, ग्रुप कमजोर हो गए, तो चाइना की नजर पड़ी उन ग्रुप्स के ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट में कम से कम कई टाइम से जो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चाइना ने भी क्या किया, अपनी एजेंसी के थ्रू या कुछ एक दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर इन ग्रुप्स को एक्टिव करना शुरू किया। तो कि कैसे इन ग्रुप को एक्टिव किया जाए जी, तो तभी एक इन्फॉर्मेशन आती है, ये लगभग 2015 में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एजेंसी को जी। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एक आसाम पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर को मिला, तो एक उन्होंने एक नॉर्मली उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मणि मतलब चाइना से मतलब ये म्यांमार होते हुए दो लड़कियां नॉर्थ ईस्ट में एंटर हुई हैं जी। तो जब उनके नॉर्मल मतलब लोकल इनपुट मिला, लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस को इनपुट मिला, उन्होंने IB को इनपुट दिया जी और ऊपर अदर एजेंसी को इनपुट दिया, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन है, चीज़ें नॉर्मल है, बहुत होती है चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पर इतना डिले नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुआ, चीज़ें चली, चलो इन्फिल्ट्रेशन होती है, चीज़ें हैं। लेकिन अचानक सबका ध्यान जब जाता है दोबारा से, अचानक क्या होता है, मार्च के अंदर इंसर्जेंट एक अटैक करते हैं असम राइफल्स के ऊपर, उसमें 7 सोल्जर शहीद हो जाते हैं नागा टीए के साथ जी। तब दोबारा इंटेलिजेंस दोबारा जगता है, चीज़ें होती है जी। अब चीज़ें होने के बाद क्या, एक्चुअली जस्ट 2015 में भी मैं रिलीज हुआ था, उसी टाइम भारी आ रखा था अपना चीज़ें, तो मैंने बहुत टाइम अपना नॉर्थ ईस्ट को बहुत टाइम दिया, म्यांमार को बहुत टाइम। उन ऑडियंस को बताइए ना कहाँ से रिलीज हुए थे, बस जब कह रहे रिलीज हुआ थे तो शायद जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा कहाँ से। एक्चुअली 2015 में जस्ट मार्च के अंदर, 2015 मार्च को मुझे जेल से रिलीज किया गया बेल पर, क्योंकि एक्चुअली मेरे ऊपर 2 डबल मर्डर केस चल रहे थे, तो मुझे जेल से बेल आउट किया गया जी। तो इन्फॉर्मेशन मिलने पर कुछ एक मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला कि ठीक है कि मैं केस के ऊपर भी अपना ध्यान दे रहा हूँ, चीज़ें दे रहा हूँ, तो वो लोग मुझे चाहते थे कि मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में जो भी मेरे सोर्सेज हैं या म्यांमार में हैं या बांग्लादेश में हैं, तो अपने सोर्सेज को एक अलग हैंडलर को दूँ। तो मैंने अपने सीनियर से बात करी, चीज़ें करी, जो भी यार मैं अपने सोर्सेज नहीं दे सकता कोई भी करके, जो भी होगा उसके लिए मैं 24/7 आवर काम करने के लिए रेडी हूँ करके। तो फिर दोबारा वही चीज़ बोला गया कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में जगह पड़ती है चंडेल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के थ्रू 2 गर्ल्स आई हैं मतलब एंटर हुई हैं, इसके बारे में क्या इनपुट है चीज़ें करके। तो मेरी एक साथ में हम लोग एक कलीग मेरे साथ काम करते थे, ठीक है, सिरा डेल्टा कोड है उनका, तो उनसे मैंने बात करी। तो बात करने के बाद जो भी हम लोगों ने एनालाइज किया, चीज़ें करी, पता चला कि हाँ यहाँ आई थी 2। एक्चुअली क्या है, ये दोनों लड़कियाँ एक्चुअली चाइना की एजेंसी MSS के लिए वर्क करती थी, लेकिन अभी ये चीन नेशनल आर्मी के लिए म्यांमार में एक ग्रुप है, टेररिज्म ग्रुप है, जिसके लिए वर्क कर रही थी सर। तो ये सब कुछ पता करने के बाद चीज़ें पता करी कि ये दोनों की दोनों लड़कियाँ कहाँ गई थी करके, तो इसका इनपुट मिला कि ये दोनों लड़कियाँ परवेज बुरुआ जो उल्फा के लीडर हुआ करते हैं, उनके साथ उन्होंने आसाम में मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद हमारे को ये पता चला कि यार ये नेपाल, यहाँ से नेपाल निकल गए और महेंद्र नगर के अंदर गए हैं लोग। तो महेंद्र नगर के अंदर इनके बारे में पता किया गया, तो बाद में पता चला कि परवेज बुरुआ क्या है, नेपाल भी छोड़ चुका है और नॉर्थ ईस्ट भी, इंडिया भी छोड़ चुका है, इस टाइम वो चाइना के अंदर है। ये इनपुट मिली है, भी कंफर्म नहीं था कि चाइना के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि यार 2001 में लगभग हमारा सीज़फ़ायर टूट चुका था उल्फा के साथ, और उल्फा खत्म हो चुका है बिल्कुल, मतलब नहीं है, उल्फा खत्म हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है लगभग, आसाम धीरे धीरे पीस बन रहा है। तो ऐसा क्या है कि चाइना दोबारा उल्फा के साथ मीटिंग कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद मार्च के अंदर एक बड़ी घटना, 7 सोल्जर शहीद हुए, तो चीज़ें कुछ लग रहा था। तो इसके बारे में पता लगाया गया, तो पता लगाया गया यार ऐसे नहीं पता चलेगा, ये पता तभी चलेगा जब कोई ना कोई बता पाए करके, क्योंकि उल्फा है नहीं चाइना में, हम एंटर नहीं कर सकते, म्यांमार इंटेलिजेंस से कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो एक इनपुट और मिली, इंटेलिजेंस के एक इनपुट मिली कि कुछ एक लोग इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं, अपनी एक जगह पड़ती है मौर्य, इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, तो कुछ इन्फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो एज ए स्पेशल फोर्स को बोला गया कि ठीक है इन होने दो करके, इन्फिल्ट्रेशन होने दो, लेकिन हमारे को आदमी किसी भी कीमत पर लाइव चाहिए, जिंदा चाहिए, ताकि हम इनपुट ले सकें। इन्फॉर्मेशन पक्की थी हमारे सोर्स की, इन्फॉर्मेशन पक्की थी कि इन्फिल्ट्रेशन अंदर आ रहे हैं करके। देन आने के बाद हमने एक आदमी को लाइव, एक आदमी को पकड़ा। आप तभी किस चीज में, किस ग्रुप में थे आप? मैं अपनी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा था सर। तो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए वर्क कर रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट में जस्ट हमने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद हमने उससे इंट्रोगेट किया, पूछताछ करी, तो उसने बताया चीजें बताया कि बोला हाँ बोला, लेकिन जब उसने एक चीज क्लियर बोला कि एक
अम्ब्रेला बन गया है करके इंडिया के अंदर जी। अब एक अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला समझ में नहीं आ पा रहा, अम्ब्रेला क्या, उससे हमने और जानने की कोशिश करी कि अम्ब्रेला है क्या करके जी। तो उसको जितनी इन्फॉर्मेशन पता थी उसने बताया कि अम्ब्रेला क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन एक अम्ब्रेला होने वाला नॉर्थ ईस्ट में इस बार वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा ये अपने सीनियर से बात करी, इंटेलिजेंस के लोग बैठे, मेरे सीनियर्स लोग बैठे जो भी थे, जो भी सोर्सेज, लेकिन हर चीज़ हर जगह पता करने के बाद जहाँ भी हमारे सोर्सेज थे, चाहे इंडिया के अंदर सोर्सेज थे, अपने बांग्लादेश म्यांमार कहीं भी भूटान साइड में नेपाल साइड कहीं से, पता नहीं चल पा रहा था कि अम्ब्रेला है क्या करके। हमने बहुत डिकोड करने की कोशिश करी अम्ब्रेला क्या है, नहीं पता, बस ये पता है कि एक अम्ब्रेला बन गया करके। देन हमसे उस जो भी हमने एक आदमी इन्फ्रास्ट्रक्चर में पकड़ा चीज़ें पता करी, तो उससे पूछा हमने यार तुम करने क्या हो, मतलब तुम्हारा टारगेट है क्या नॉर्थ ईस्ट में, चलो नॉर्थ ईस्ट में है तुम्हारी फाइट चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में इंडियन आर्मी के साथ फाइट चल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फाइट चल रही है। तो उसने कहा कि एक बड़ा टारगेट है करके जो कभी आज तक नहीं हुआ करके, तो इसके पीछे रीजन, इसके पीछे हमने कहा रीजन क्या है करके। तो देन उसने रीजन बोला कि एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान या कोई भी मतलब जम्मू कश्मीर सुन रहा है, मतलब हिंदुस्तान की जितनी भी मतलब जो आवाम है, जो आबादी है यहाँ की, वो हमेशा जेएनके को सुनती है क्योंकि जेएनके हर न्यूज़ में रहता है। लेकिन बोला इस बार कि नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान ही नहीं सुनेगा, नॉर्थ ईस्ट को पूरी दुनिया देखेगा करके। अच्छा हाँ, बोला आप नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ इंडिया नहीं जानेगा सर, पूरा वर्ल्ड नॉर्थ ईस्ट को देखेगा। तब हमारे को लगा यार कि हो सकता है कोई सीएम इनके टारगेट में हो कुछ हो, तो हमने मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी, मतलब लोकल इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन दी, सब सिक्योरिटी जितने भी मतलब अपने सीएम जितने भी लीडर्स थे सबके गवर्नर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है, चीज़ें होने वाली है चीज़ें करके। लेकिन उस तभी एक इनपुट, एक सोर्स से एक इनपुट मिलता है, हमारे को एक इनपुट मिलता है कि इस बार म्यांमार पे फुटबॉल मैच हो रहा है करके। तो फुटबॉल मैच तो नॉर्मल ही था कि जैसे ऑलरेडी फुटबॉल मैच हो रहा है करके चीज़ें ये हो, तो इस फुटबॉल मैच की क्या खासियत है करके। तो मेरे सोर्स ने बताया कि ये फुटबॉल मैच अलग है, ये फुटबॉल मैच एक ऑर्डिनरी आर्मी के बीच मतलब नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं है, इसमें कई टेररिज्म ग्रुप आपस में गेम खेल रहे हैं। अच्छा, तो पहली बात कुछ टेररिज्म ग्रुप एक साइड है, कुछ टेररिज्म ग्रुप एक साइड है, और ये म्यांमार जो गवर्नमेंट है वहाँ की आर्मी वो एक मैच करा रही है करके। तो बड़ा शॉक था, सरप्राइज था, चीज़ें थी। लेकिन इस फुटबॉल मैच के बारे में पता कैसे करें करके जी, तो जो भी मेरी एक कलीग थी, तो ठीक है उसको एज ए जर्नलिस्ट की कवर आईडी भेज के जी म्यांमार भेजा गया जी। उसने इस पूरे मैच को कवर किया, चीजें आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक मेंबर थी, जो एक कवर आईडी लेके म्यांमार। तो बॉर्डर से कितना दूर था ये सर? जस्ट अपने जो अपने मणिपुर का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लगभग 45 किलोमीटर दूर। अच्छा, समथिंग 45 किलोमीटर दूर। वो एक इन्फिल्ट्रेट कर गई हुई? नहीं नहीं, वो एज ए कवर आईडी, एज ए जर्नलिस्ट कवर आईडी, वो कवर करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से ओके कवर करने के लिए, मैच को कवर करने के लिए भेजा उसने। ओके, तो जब वहां से वो इन्फॉर्मेशन उसने दी, तो उस इन्फॉर्मेशन से अपनी पूरी एजेंसी शॉक सर। एक्चुअली क्या था कि चार इंसर्जेंट ग्रुप एक साइड जी, चार एक साइड इनका मैच, और ये ग्रुप किसके बीच में हो रखा था, जो भी नॉर्थ ईस्ट में जी पिछले 50 साल से जो ग्रुप एक्टिव थे जी, और मेन उसमें उल्फा, एनएसएन के, केवाईकेएल, प्रिपाक, तो इस टाइप के 8 टेररिज्म ग्रुप मिलकर फुटबॉल मैच खेल रहे हैं जी। तो जब इन 8 ग्रुपों को देखा, हाँ, चीजें देखी, तो एनालाइज किया कि 8 प्रिपाक उसमें 2 ग्रुपों के अंदर कवर है करके, तो समझ में आया कि अम्ब्रेला के 9 हिस्से हैं, तो 9 ग्रुप बन चुका है देन ये अम्ब्रेला। तो वहां से जो भी इनपुट आई है, इनपुट ये आया कि इन ग्रुपों के बीच में जो मैच हो रहा है, जो उसमें जीतेगा वो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन को लीड करेगा। अच्छा, और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में वही राज करेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप है फुटबॉल मैच जीतने के बाद जी, और इसमें मेन था उल्फा और एनएसएनके के साथ भी हमारा मतलब एक्चुअली 2001 लास्ट के अंदर सीज फायर टूट गया था, और एनएसएनके को उस टाइम लीड कर रहे थे खपलांग बाबा, ठीक है, उनका मतलब बर्मा के अंदर ही उनका पूरा होल्ड था, क्योंकि एक्चुअली एनएसएनके और एनएसएनआईएम पहले दोनों एक ही ग्रुप हुआ करते थे, देन 1987 के समथिंग में ये ग्रुप टूट गया था, दोनों पावरफुल ग्रुप थे सर, ठीक है। तो एनएसएनआईएम के साथ हमने 99 से हम सीज फायर में चल रहे थे। अब जब चीज ये चीज पता चला कि यार ये ग्रुप हो गए, अम्ब्रेला ये बन गया, तो तब भी ये समझ में नहीं आ रहा था यार कि मतलब इनका टारगेट क्या है, और एक्चुअली क्या बर्मा के अंदर हम मतलब अपना म्यांमार के अंदर हम लोग क्या मतलब डायरेक्ट हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट के साथ उनका सीज फायर है। अब लेकिन ये तो समझ में आ गया कि अम्ब्रेला क्या है, समझ में नहीं आ रहा टारगेट क्या है करके, ठीक है। तो एक्चुअली एक इनपुट और मिलता है मेरे को, एक इनपुट मिलता है कि अपने क्या कहते हैं एक्चुअली नागालैंड में एक एनएससीएन के एक बड़े लीडर है, उनकी वाइफ वहां रहती है, आप उनको ट्रैक करो करके जी। जब हमने एक्चुअली क्या किया, एक बड़े एनएससीएन के एक बड़े लीडर के एक बड़े लीडर कोंगो कोनियाक और सुमी की वाइफ को हमने ट्रैक करना शुरू किया जी। तो हम एक एरिया कमांडर को वहां से उठाते हैं जी, और वो एरिया कमांडर हमारे को एक इनपुट देता है, और वो एरिया कमांडर बोलता है कि नहीं सर, हमारा कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पर्सन हमारा टारगेट नहीं है, हम इस टाइम भारतीय सेना पर अटैक करेंगे। तो भारतीय सेना पर तो अटैक तो कर ही रहे हैं, पिछले 20 साल 30 साल से कर रहे हैं, नया अटैक क्या है करके। तो उन्होंने बोला कि इस बार हमारा जो ग्रुप है, पहले हम एक ग्रुप थे
जो हमारे को इनपुट पता चल गया था, बोला हम 8 ग्रुप 1 हो चुके हैं आप, ठीक है, लेकिन जो हमारा इस बार जो अटैक होगा वो अटैक हम 2, 3, 4, 5 सोल्जर को शहीद नहीं करेंगे करके, हमारा अटैक है कम से कम पूरी की पूरी कंपनी को खत्म करना। अच्छा, यानी कि लगभग आप लगा लो 60-70 आदमियों की नफरी को खत्म करना। हाँ। जो आज से पहले मतलब कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ कभी भी, तो ये उनका टारगेट था। तो हमने उनसे पूछा कि यार चलो ठीक है, किस पर करोगे आप अटैक, किस पर करोगे करके, कौन सी बटालियन या कौन सी रेजिमेंट या कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स आपका टारगेट है। तो देन उसने ये नहीं बोला कि एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन उसको भी नहीं पता थी, ये उल्फा के बड़े अपने परवेज बरवा या खपलांग बाबा तक ही इन्फॉर्मेशन ना होती कि किसको ये लोग टारगेट करेंगे। लेकिन उसने एक चीज बोल दिया कि हमारे टारगेट में मतलब आर्मी की 2 ही यूनिट रहेंगी करके, या तो हम जो इंडियन आर्मी यहाँ से जा रही हो हम उस पर अटैक करेंगे, या इंडियन आर्मी आ रही हो। उसका रीजन क्या बताया, तो रीजन इनपुट ये पता चला कि जाने वाले के ऊपर हम इसलिए अटैक करेंगे कि हम आने वाले को ये दिखाएंगे कि हम क्या हसर करते हैं, ताकि हमेशा मॉरल डाउन रहे। या इंडियन आर्मी की जो नई बटालियन अंदर आ रही हो, हम अगर क्योंकि कोई भी बटालियन अगर कोई भी इंडियन आर्मी अगर मूव करता है तो 3 साल क्या कहते हैं सीआई में रहता है, 3 साल पीस में रहता है, तो 3 साल के टर्नओवर में अगर कोई आर्मी ऑपरेशन के लिए सीआई ऑप्स में जा रही है तो अगर उसने अटैक कर दिया तो वो कहीं वो डिफेंस मूड में आ जाएगी करके, मतलब वो अपने को बचाने की कोशिश करेगी, ये उनका मतलब उनकी सोच थी। तो लगभग उस टाइम 3 कोर कमांडर अपने रावत साहब हुआ करते थे, तो इन्फॉर्मेशन दे दी सबको अलर्ट करने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन मतलब इन ग्रुप्स को भी मिल गई थी, अम्ब्रेला ग्रुप को भी। इस अम्ब्रेला का जो ग्रुप का जो इन्होंने नाम रखा था सर, इसका नाम रखा था इन्होंने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, ये ग्रुप का नाम, ये जो पूरे 8 ग्रुप को मिलकर ये एक नाम बना था। अच्छा, ठीक है, इसको जो ग्राउंड पर जो लीड कर रहा था वो उल्फा कर रहा था, ठीक है, और उसके जो मेन चेयरमैन बने थे इस ग्रुप के वो बाबा खपलांग बने थे। तो अब इन ग्रुपों का एक ही काम था, उल्फा और एनएसएन के, ठीक है, ये 2 पावरफुल ग्रुप थे। ये दोनों ग्रुप क्या करते, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशन करते, जो ज्यादा मतलब कैजुअल्टी देता वो ग्रुप नॉर्थ ईस्ट को पूरा का पूरा क्या करता, नॉर्थ ईस्ट को वो कंट्रोल करता, इनकी शर्त ये थी। और इनको पूरा का पूरा जो बैकअप था इनडायरेक्ट तरीके से, पूरा फंड का बैकअप, वेपन्स का बैकअप पूरा का पूरा चाइना का था, और एक जगह इनके पास सेफ जगह जो थी वो म्यांमार, इनके पास सेफ जगह थी। अब लेकिन यहाँ भी इंडिया के अंदर जो भी है 3 कोर कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू सब मतलब इंडियन आर्मी को सब दे पता चल चुका है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ होने वाला है करके, ठीक है, जब तक इस अम्ब्रेला को ना तोड़ा जाए करके तब सब अलर्ट मूड में रहेंगे। अब ये बात इंसर्जेंट को भी पता चल गया, इन म्यांमार में इन लोगों को भी पता चल गया कि भाई इंडियन आर्मी मतलब बिल्कुल अलर्ट मूड पर आ चुकी है, लेकिन इनको किसी भी कीमत पर चाइना का कंटिन्यू इनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि चाइना बहुत मोटा इन्वेस्ट कर चुका था इस चीज़ पर, ठीक है, क्योंकि चाइना ने पहले 8 ग्रुपों को जोड़ा, चीज़ें करी, वेपन दिया, फंडिंग दी, एवरीथिंग। तो चाइना किसी भी कीमत में बैकफुट में नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको एक्ट इस पॉलिसी को तोड़ना था इस गवर्नमेंट की। तो तभी क्या होता है, अपनी 4 जून का दिन आता है, 4 जून को इन्हीं लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक 6 डोगरा रेजिमेंट वो अपने कुछ फ्यूल के साथ मूव कर रही है करके गाड़ी के अंदर। तो इनको लगा, इन्होंने एक प्लान किया जल्दी से अगर कि मतलब अगर हम इस फ्यूल मतलब गाड़ी के ऊपर पेट्रोल वगैरह भी है उनकी गाड़ी के अंदर, अगर हम इस पर अटैक करेंगे तो कैजुअल्टी ज़्यादा होगी। तो ये कम से कम लगभग 30 लोग आए ग्राउंड पर, एनन संघ नाम का एक कर्नल, सेल्फ कर्नल, इनकी रैंक भी सेल्फ होती है, तो एक कर्नल उसको लीड कर रहा था, एनएसएन का कर्नल था, एनएसएन के का। तो देन इसके क्या किया, चंडेल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इस कन्वाई के ऊपर एक अटैक कर दिया, और इस 4 जून को हमारे 18 आदमी शहीद होते हैं सर। अच्छा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इससे बड़ी कैजुअल्टी कभी नहीं हुई। यानी ये 4 जून 2014 की बात, 2015 की बात, 2015 की बात, 4 जून, आज जो इसको 8 साल हो गए ये जून के महीने में। बिल्कुल। अच्छा, तो पहली बार मतलब 18 आदमी शहीद होना जी। अब इससे पूरे हिंदुस्तान का ही ध्यान नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया सर, पूरे दुनिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है करके इंडिया। अच्छा, लेकिन किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट को इसका रिएक्शन लेना था सर जी, एक काउंटर एक्शन करना था जी। हमारे चीफ ने म्यांमार गवर्नमेंट से बात करी, वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करी, ठीक है, क्योंकि हमारे को एक और इनपुट मिला कि अभी नहीं रुकेंगे करके, ये डेफिनेटली 15 दिन के अंदर दोबारा इनका एक बड़ा एक्शन दोबारा है करके, ठीक है, और पूरा चाइना का सपोर्ट है इसके पीछे, एक्शन करेंगे दोबारा। लेकिन म्यांमार गवर्नमेंट से जब बात करी तो म्यांमार गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं भाई, हमारा सीज फायर चल रहा है, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते उनके ऊपर, क्योंकि म्यांमार में हमारे को उनके बेस के जो भी उनके कैंप पर, जिस 2 कैंप पर हाइड आउट बनाकर रह रहे थे, इनका बेस था, दोनों कैंप की इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, म्यांमार गवर्नमेंट को भी बोला। लेकिन जिस जैसे हमारे देश के अंदर हमारे ग्रुप्स के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, तो म्यांमार गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारा सीज फायर चल रहा है करके, बट क्योंकि दोबारा एक्शन होना है तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं बैठ सकती थी, गवर्नमेंट नहीं बैठ सकती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री शायद 7 जून को रिटर्न आए, उनका दौरा था बाहर का, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, ऑपरेशन करना है करके, कुछ भी हो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस अम्ब्रेला को तोड़ना पड़ेगा करके। अब अम्ब्रेला को तोड़ने के लिए क्या करें करके, तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने 3 कोर कमांडर से बात करी, एक्शन के लिए बोला यार ठीक है, एक्शन के लिए मैं रेडी हूँ, हमारे को ग्रीन सिग्नल चाहिए करके। अब लेकिन इस ऑपरेशन को करने के लिए सबसे स्पेशल फोर्स चाहिए,
अब स्पेशल फोर्स, हमारी स्पेशल फोर्स यूएन मिशन के लिए दिल्ली में बैठी हुई है सर जी, दिल्ली जाने वाली है। 21 पैरा एसएफ की स्पेशल फोर्स यूएन मिशन के लिए जाने के लिए रेडी है, ठीक है। एक लीमा चार्ली हमारे मतलब एज ए जो इसको लीड करे इस ऑपरेशन को, दिल्ली में थे जी। तो इस यूएन मिशन को विड्रॉल किया, मतलब विड्रॉल किया गया, ये इंपॉर्टेंट हमारे देश का जी। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज है स्पेशल फोर्स को लाएं कैसे नॉर्थ ईस्ट में, लाएं कैसे, मतलब 57 ड्यूप माउंट में कैसे लेकर आए, क्योंकि इन लोगों की भी पूरी इंटेलिजेंस, चाइना की पूरी इंटेलिजेंस, चाइना की जो भी इंटेलिजेंस के लोग, पूरे एयरपोर्ट के आसपास उनके लोग, रेलवे स्टेशन के आसपास उनके लोग, बस अड्डे के आसपास स्पेशल फोर्स का मूवमेंट देखते ये लोग अलर्ट होंगे जी, है ना। अब स्पेशल फोर्स को कैसे लाया जाए, तो फिर दोबारा से डिसाइड करते हैं कि यार स्पेशल फोर्स को यहाँ तक लाने का एक ही तरीका, उसमें बिहार रेजिमेंट का मूवमेंट चल रहा था, 13 बिहार रेजिमेंट जी, क्यों ना हम स्पेशल फोर्स को 13 बिहार रेजिमेंट के कपड़े पहना दें जी। एक मतलब चाइना की इंटेलिजेंस को और इनकी इंटेलिजेंस को पता चलेगा कि आर्मी का रूटीन मूवमेंट है करके 13 बिहार रेजिमेंट मूव कर रही है, तो एसएफ को 13 बिहार रेजिमेंट के कपड़े वगैरह पहना के 57 डीप माउंट तक लेके आया जाता है। और डीप माउंट के अंदर एक ऑपरेशन प्लान होता है और ये आता है 9 जून का दिन। अब ऑपरेशन क्या था सर, कि हिंदुस्तान की एलओसी को क्रॉस करके लगभग 18 किलोमीटर और 22 किलोमीटर जाके अंदर एक हाइड आउट पर ऑपरेशन करना है। अब दिक्कत है कि ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन जैसे आप एलओसी क्रॉस करोगे आप अपने सारे रेडियो सिग्नल वगैरह भी बंद करोगे सर, क्योंकि अगर आपकी इनपुट अगर म्यांमार आर्मी को मिल गई तो दिक्कत है। बाकी हमारी पूरी मतलब एयरफोर्स वगैरह सब अलर्ट पर है, है ना, लेकिन हम एलओसी को क्रॉस नहीं कर सकती हमारी कोई भी चीज। तो यहाँ से हमारी दो टीमें मूव करती हैं, तो लीमा चार्ली जो इसको लीड कर रहे थे उनको एक इनपुट दिया गया कि आप जैसे ही एलओसी क्रॉस करोगे तो आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेडियो सेट ऑन करोगे माइक्रो सेकंड के लिए, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारी टीम सेफ है करके, और आप हर 15 मिनट के बाद हमें सिग्नल दोगे। तो देन ऐसे ही होता है, यहाँ से टीम मूव करती है, लगभग हमारी पूरे स्पेशल फोर्स के एक तीन कम मतलब एक टीम मूव करती है 30 स्पेशल फोर्स के 3 बंदों के साथ। ये जैसे ही म्यांमार के अंदर एंटर करते हैं तो बिल्कुल इनका ऑपरेशन प्लान था कि हम लगभग 12 बजे के समथिंग ऑपरेशन करेंगे, तो हर 15 मिनट में सिग्नल दे रहे थे सब जो भी मतलब इस ऑपरेशन को, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 3 कोर कमांडर, एनएसजी सब देख रहे थे। तो जब ये 12 बजे के समथिंग उनके कैंप पर पहुंच गए, बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल सही चला। रास्ते में इन्हें कुछ एक लोकल बंदे भी मिले इस ऑपरेशन में, उन्होंने लोकल बंदे को भी अपने साथ रखा इस टीम ने, क्योंकि उन्हें छोड़ नहीं सकते थे, हो सकता है वो म्यांमार आर्मी को बात बता देते, कुछ भी करते, तो हमारे 30 स्पेशल फोर्स के बंदों की जान खतरे में। तो हाइड आउट के पास पहुंचे, अब जैसे क्या होता है कि लेकिन इस ऑपरेशन में एक चीज क्लियर था सर, एक बात हिदायत दी गई थी कि जब तक हमारे लीमा चार्ली का पहला फायर नहीं निकलेगा कोई फायर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये कैसे पता चले कि यार पहला फायर रात को 12 बजे लीमा चार्ली का है या किसी और का है, क्योंकि फायर तो फायर है। तो देन हमारे जो लीमा चार्ली ने अपने राउंड पर अपने जो मैगजीन थी उनकी मैगजीन में ऊपर के 5-10 राउंड ट्रेसर राउंड भर दिए। ट्रेसर राउंड क्या, एक्चुअली जब भी रात के टाइम हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं, हमें टारगेट दिखाना होता है, तो देन हम एक फायर मारते हैं तो ट्रेसर राउंड हमारे को रोशनी देते हुए निकलता है। तो जो पहला अंदर रोशनी देते हुए अगर कोई राउंड निकला तो समझो कि लीमा चार्ली का फायर है करके। लेकिन जैसे 12 बजने वाले होते हैं क्या देखते हैं कि रात के ऊपर इन्हीं के ऊपर फायर आ गया। अब इनके ऊपर फायर आ गया तो ये कैसे करके, अब लेकिन लीमा चार्ली जो कमांडर बिल्कुल लीड कर रहे थे ऑपरेशन को, उन्होंने बिल्कुल शांति रखी और फायर नहीं खोला। देखा कि कुछ देर के बाद फायर रुक गया। ये मतलब ये वहां के मिलिटेंसी, वहां के उन लोगों का ये था कि ये उनका तरीका था कि वो हवा में फायर मारते थे, वो ये देखना चाहते थे उनके कैंप के आसपास कोई आया तो नहीं है, अगर इनके कैंप के आसपास कोई है तो वो इन पर फायर मार देगा करके, ठीक है। तो देन इन्होंने थोड़ा और वेट किया, वेट करने के बाद फिर उन्होंने 15-20 मिनट के बाद फिर फायर आया नीचे। तो इस चीज को कम से कम 1-1.5 घंटा वेट किया, कंटिन्यू सिग्नल देते रहे हम सेफ है करके। जब लगा कि आधे घंटे तक लगभग रात को कोई फायर नहीं आया नीचे से, कोई फायर नहीं आया, अब कैंप पर सब लोग सो चुके हैं चीजें, तो एक काउंटर ऑपरेशन होता है सर, पूरे हाइड आउट पर जितने भी टेररिस्ट थे सबको खत्म किया जाता है, ठीक है। खत्म करने के बाद हमारी पूरी की पूरी टीम सेफ वापस आती है। सेफ वापस आने के बाद इस पूरे अम्ब्रेला को तोड़ दिया जाता है सर। अब जब ये पूरा हमने अम्ब्रेला ब्रेक कर दिया, 9 जून को खत्म ही कर दिया इस अम्ब्रेला को, ठीक है, जो भी ग्रुप बचे थे एनएसएन के कपलांग या उल्फा कोंगो कोनियाक सुमी, उन्होंने भारत सरकार का सीज फायर कर लिया सर। वो अपने कुछ 200 इंसर्जेंट के साथ इंडिया के अंदर आए और अपना सीज फायर कर लिया भारत सरकार के साथ। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत थी म्यांमार के अंदर ऑपरेशन हुआ सर, चाइना ने पूरा मुद्दा लिया कि इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाए कि हिंदुस्तान ने कैसे ऑपरेशन कर दिया भाई किसी देश के अंदर जाके, ठीक है, उसने इस मुद्दे को उठाया। तो अब देन नेक्स्ट दिन तभी क्या होता है, हमारे चीफ जो भी इंडिया के जो भी चीफ लोग होते हैं वो म्यांमार जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करते हैं कि जिस टाइम दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था ना, पूरी दुनिया ने आपको अकेला खड़ा कर दिया था, सिर्फ हिंदुस्तान आपके साथ था उस टाइम, इंडिया ने आपके साथ चीजें करी, आपको सिक्योरिटी दी, आर्मी की हेल्प दी, जो भी आपको जरूरत थी वो भारत ने किया, बाकी किसी देश ने नहीं किया।
आज आप भारत के साथ खड़े हो या आज आप टेररिज्म के साथ खड़े हो, तो बर्मा ने म्यांमार ने अपना साथ दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि हमने कंबाइन ऑपरेशन किया, ठीक है, और टेररिज्म को खत्म किया। तो आज कितने लोग मारे थे उसमें, कितने मिलिटेंट्स मारे गए थे? देखिए उसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट करती है कि लगभग 200 मिलिटेंट को हेड आउट पर खत्म किया कर। और सबसे बड़ी बात है सर, जो ये अम्ब्रेला बना था इस अम्ब्रेला को तोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अभी तक कोई भी इंडियन आर्मी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अच्छा। अगर इस ऑपरेशन को नहीं करते, अगर इस ऑपरेशन को नहीं करते, उनके घर में घुसकर नहीं करते, देन वो अगला ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, ठीक है। अगर चाइना के मतलब इस माइंड को नहीं तोड़ा जाता तो चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट फैला रहा सर, तो हम कैसे आगे जाते? हम अपने मतलब देश को, मतलब आज हिंदुस्तान एक पावरफुल देश बन रहा है, हम उस पर जाएं या हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देखें सर, वहां की मिलिटेंसी को खत्म करें करके, ठीक है। इस अम्ब्रेला का ब्रेक करना बहुत जरूरी था कि कैसे ही अम्ब्रेला तोड़ा, एक इंटेलिजेंस ने अपना मतलब कैसे प्लान किया, कैसे चीज करी, कैसे अम्ब्रेला क्या है उसका पता किया, वहां की लोकेशंस के बारे में पता किया, वहां के जीआर के बारे में पता किया, ठीक है, कि कौन से ग्रीक रेफरेंस पर हैं वो, उनके सपोर्ट कौन कर रहा है, उनके फाइनेंस कौन कर रहा है, ये डिटेलिंग में जो मैंने आपको एक छोटा सा मतलब एक ब्रीफ किया इस ऑपरेशन का सर। जी, तो ये थी आपकी कहानी हॉट प्रोसीड्यूर। ये हॉट प्रोसीड्यूर सर। और इसी कौन सी कहानी है जो आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग, उसमें आपकी किताब में होगी? नहीं सर, कहानियां बहुत, हम अगली कौन सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, बस आपको अगली कहानी ब्रीफ करता हूँ जी, ठीक है। तो अगली कहानी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ सर, इन अगर आप 2007 में आते हैं, 2007 के अंदर क्या हुआ, एक्चुअली सिख रेजिमेंट नॉर्थ ईस्ट के अंदर मूव थी सर जी। तो सिख रेजिमेंट के कुछ एक सोल्जर्स क्या कर रहे थे, नॉर्मली तरीके से देखो सर, अगर कोई भी आदमी सीआई में रह रहा है, ये रह रहा है, देखो उनके पास यहाँ के जैसे गेम्स तो है नहीं कि इंजॉय करें, चीजें करें, है ना। वो बेचारे जो भी अपना थोड़ा बहुत टाइम होता है, अपने घरों से दूर है आर्मी, छह छह महीने में अपने घर जा रही है, चीजें कर रही है सीआई ऑप्स में, तो थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो अगले कोई कैरम खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, वो नॉर्मल तरीके से खेल रहे हैं सर अपने, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी रिलैक्स फील करना है, चीजें करनी है, क्योंकि परिवार की हालत में, वो की हालत में, ताकि उनका माइंड सही रहे और फिजिक भी सही रहे, तो नॉर्मल तरीके से सिखलाई रेजिमेंट के भी लोग कैरम खेल रहे थे। तो नजदीक से क्या हुआ सर, एनएससीएन के ग्रुप ने आकर केवाईकेएल के साथ मिलकर कैंप कंपनी के अंदर घुसे और खेलते हुए सोल्जर के ऊपर फायर मारा सर, ऑन द स्पॉट 5 सोल्जर शहीद कर दिए सर। अच्छा, ठीक है। और एक्चुअली उस टाइम गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब इंटेलिजेंस ने बताया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में यूपीए गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला नहीं भाई एनएससीएन के साथ हमारा सीज फायर चल रहा है करके, चीजें चल रहा है एनएससीएन के साथ, सीज फायर चल रहा है, ये चल रहा है, आप किसी भी सीज, और एक्चुअली क्या है सर, सीज फायर चल रहा है तो भारत सरकार के भी उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो डायरेक्ट तरीके से कहीं भी ये प्रूफ नहीं कर पाए हम लोग कि एनएससीएन का ही हाथ है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी सोल्जर शहीद हुए हैं सर, अगर हम एक एक्शन नहीं लेंगे तो मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा, सोल्जर के मॉरल पर बहुत असर पड़ेगा कि हम लोग मतलब हमारे साथ वाले, हमारे भाई हमारे कैंप के अंदर आके मार के चले गए, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो देन एक इनपुट मिलता है कि यार ठीक है एनएससीएन का एक ब्रिगेड कमांडर है, उस टाइम सेनापति के अंदर है, ठीक है, इनपुट क्लियर हो गया हमारे को कि यार सेनापति में ब्रिगेड कमांडर रह रहा है चीज है, लेकिन जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी तो यूपीए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई नहीं होगा ऑपरेशन करके अब सर, लेकिन किसी भी कीमत पर इंटेलिजेंस को क्या करना था सर, इस ब्रिगेड कमांडर को तो खत्म करना ही करना था, एनएससीएन के ब्रिगेड कमांडर को। अब ब्रिगेड कमांडर को कैसे खत्म करें चीजें, अब इंडिया के अंदर खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सीजफायर चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, 1999 से सीजफायर चल रहा है, ठीक है। एक ब्रिगेड कमांडर को इंडिया के अंदर खत्म करने का मतलब है सर कि हजारों लोगों की जान खतरे में डालना, क्योंकि अगर उनके ब्रिगेड कमांडर को यहाँ कुछ भी होता है, कुछ भी, सीजफायर टूट जाएगा सर, ठीक है। और एक ब्रिगेड कमांडर के चक्कर में हम हजारों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते सर, चाहे आर्मी हो चाहे सिविलियन हो, ठीक है। पहला टास्क था उस ब्रिगेड कमांडर को हिंदुस्तान से बाहर ले जाना, अब उसको इंडिया से बाहर कैसे ले जाएं, ये बड़ा टास्क था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिगेड कमांडर के बारे में पता करी, चीजें पता करी, तो उसको शौक था, मतलब अलग अलग चीजें था, ठीक है, ड्रग में भी इन्वॉल्व था, गर्ल्स में भी वो इन्वॉल्व था, ठीक है, उसकी कमजोरियां हमने पता करी सबसे पहले। अब सबसे पहले क्या है कि लेकिन उसकी एक चीज खासियत थी, इंडियन लड़की के साथ तो बात ही नहीं करना उसने, ठीक है, इंडियन लड़की का किसी भी कीमत में बात नहीं करेगा, ना इंडियन लड़की उसके नजदीक जा सकती है सर, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस या किसी भी चीज की ये प्लानिंग हो, चीज हो, वो भी अपना एक ब्रिगेड कमांडर, पिछले 30 साल से एक एनएससीएन का ब्रिगेड कमांडर बैठा हुआ है, तो इतना तो है, तो इसके लिए प्लान किया। देन मेरे अपनी एक कुछ एक मेरे ट्रेनिंग मेट के कुछ एक लोग थे, जैसे मुसाद वगैरह कैसे काम करते हैं, चीजें कैसे काम करते हैं, तो इसराइल की एक मेरी फ्रेंड थी जो कई टाइम से मुसाद के लिए वर्क करती थी जी। तो मैंने उसको पर्सनली उससे बात करी, मेरे सीनियर्स लोगों ने बोला अपने सोर्स, मैंने कहा सर वो है और वो ले आएगी इसको बाहर करके, क्योंकि उसने बहुत ऑपरेशन किए हैं मुसाद के लिए, उसने बहुत ऑपरेशन करे हैं, तो बोला बात करो, मैंने कहा डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर सर वो लेके आ जाएगी, उसका काम ही है ये चीज करना। तो उससे मैंने बात करी, तो बात करने के बाद उसने बोला यार देख क्या कहते हैं लक्की, अगर तेरा पर्सनल है तो तू, तेरा कोई पर्सनल मैटर हो तो कभी भी। अब मेरा पर्सनल क्या, मैंने कहा पर्सनली समझ ले, मैंने कहा समझ ले या है, अब चीजें हैं सर, वो भी किसी एजेंसी के लिए काम कर रही है तो
उससे चीज़ें उससे भी नहीं छुपाई जा सकती, तो उसको बोला यार ठीक है गवर्नमेंट का काम है करके, है ना, बट काम गवर्नमेंट का है, मेरे अपने लोग मरे, मेरे अपने भाई मरे जिनके साथ मैं खाता हूँ, जिनके साथ मैं पीता हूँ, ठीक है, किसी भी कीमत में अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कल एक दूसरा इंसिडेंट होगा। अगर यही देखो कि तुम्हारे देश के अंदर है, तुमने तो 30-30 साल तक ऑपरेशन चलाया है ना, तो देन वो एग्री हुई उसने एक अमाउंट के ऊपर कि मैं इतना अमाउंट लूंगी करके, और इतने अमाउंट में डील करी, जब गवर्नमेंट से बात करी देन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इस ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मेरे चीफ किसी भी कीमत पर इस ऑपरेशन को चाहते थे सर, ठीक है, जो भी अपना फंड होता है, चीज़ें होती है, एजेंसी का फंड होता है, उस फंड से चीज़ें किया गया, ठीक है, लड़की आई, लड़की आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में धीरे धीरे वो क्लोज गई, चीज़ें गई, ठीक है, उसने अपने आपको ये डेवलप दिखाया कि वो एक्चुअली क्या है, वो भी नागालैंड के अंदर एक बड़ा इन्वेस्ट करना चाहती है करके चीज़ें, तो लगा ब्रिगेड कमांडर को भी इज द पावरफुल लड़की है, ये चीज़ें हैं करके, ये मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बड़ा बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं, धीरे 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 दोनों क्लोज आए, और हमने उसको एक महीने का टाइम दिया था सर, लड़की ने 16वें दिन ही उसको इंडिया के LOC को क्रॉस करवा दिया सर, ठीक है, तो जैसे उसने इंडिया के LOC को क्रॉस करवाया तो एक ऑपरेशन लॉन्च होता है सर, उस ऑपरेशन के अंदर हम उस ब्रिगेड कमांडर को खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद इंडिया के अंदर तो था नहीं सर, इंडिया के अंदर नहीं था तो ये कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या NSCN कभी ये प्रूफ नहीं कर सकती है कि ऑपरेशन मतलब भारत सरकार ने किया है सर, है ना, ये चीजें तो कभी प्रूफ नहीं है सर, तो देन अदर कंट्री के अंदर उस आदमी की डेड बॉडी मिली, चीजें मिली, बट गवर्नमेंट को पता चला, सेंटर में बैठी हुई 2007 की गवर्नमेंट को पता चला कि उनके ऑर्डर्स को अनफॉलो किया गया, फिर भी ऑपरेशन किया, तो इसमें कुछ एक लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे सीनियर्स हों, जो भी हों, तो उन सबको एक अलग जगह पर, यहाँ से चाहे उसको पनिशमेंट के तौर पर बोलो या एक अवार्ड के तौर पर बोलो, एक मतलब एक अच्छी जगह से कॉन्गो पोस्टिंग कर दी, मतलब लेकिन हमने अपने इन सोल्जर्स का मतलब कैसे बदला लिया सर करके, एक आदमी को मतलब कैसे एक ब्रिगेड कमांडर को अपने उस उसकी जो उसका मतलब जो एरिया था, उसका पावरफुल रिंग था, उस रिंग से कैसे दूसरे देश के अंदर लेकर गए, ये पूरा एक ऑपरेशन है सर। बढ़िया, एक्सेलेंट। सो लकी की जो इस किस्म की कहानियां हैं जो सुना रहे हैं, जो इनके एक बहुत ही क्लोज नट इंटेलिजेंस ग्रुप ने इसको अंजाम दिया है, तो यानी देश की सेवा, देश के लिए अपनी जान को बाजी लगा के इस तरह के माइंड गेम्स करना और इस तरह के स्ट्रेटजिक ऑपरेशन अंजाम देना, ये इनकी खासियत और खूबी रही है। इन्होंने इसमें से इस तरह को दो कहानियाँ सुनाई हैं और ऐसी तकरीबन 8 या 10 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रिवेटिंग और ग्रिपिंग कहानियाँ हैं जो वो अपनी किताब में लिखने वाले हैं। तो हम सब उस किताब का वेट करेंगे और लकी की ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को आगे भी सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त एंटरटेनमेंट का 20वां एपिसोड। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल पे आते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।